नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। तो फ्रेंड, क्या आपको पता है ओप्पो फ़ोन के अंदर अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है तो आपका फ़ोन चोरी नहीं हो सकता। जैसा कि जो ओप्पो के सर्विस सेंटर से हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक आपका फ़ोन चोरी नहीं हो सकता। कस्टमर केयर में आपको फ़ोन करके बताना पड़ेगा कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है। क्या क्या प्रोसीजर है, आगे के सारे प्रोसीजर बताऊँगा। इंस्टाग्राम पेज पे पहली बार आए हैं तो अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर वीडियो पसंद आती है वीडियो को लाइक कीजिएगा और फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और साथ में अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। मन में कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इसके साथ साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगा, दरअसल होता क्या है आज की डेट में फ़ोन चोरी की शिकायतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। फ़ोन चोरी होने की शिकायतें काफ़ी सुनने में भी आती है कि काफ़ी महंगा फ़ोन लिया और फ़ोन चोरी हो गया। बड़े दुख की बात होती है कि इसको लेकर भी बहुत सी वेबसाइट भारत सरकार ने एक वेबसाइट लॉन्च करी थी जिसका नाम है CEIR, सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर। ठीक है, वो वीडियो आपको इस पर मिल जाएगी, आई बटन पे वो वीडियो मैं आपको लगा दूंगा, आप उसमें पूरी जानकारी ले सकते हैं। दरअसल अगर आपके पास ओप्पो का फ़ोन है तो अगर आपका फ़ोन चोरी हो जाता है तो दरअसल चोरी होने के बाद आपको अपने कस्टमर केयर में बताना पड़ेगा कि आपका फ़ोन चोरी हो गया है। कस्टमर केयर का जो नंबर है वो आपको मिलेगा, ओप्पो की साइट पर जाओगे तब आपको ओप्पो की साइट पर कस्टमर केयर का नंबर मिल जाएगा। वहाँ से नंबर मिलने के बाद आप वहाँ पर बता सकते हो कि हमारा फ़ोन चोरी हो गया है, ये मॉडल नंबर है, ये है, वो है। पूरी जानकारी देने के बाद में दरअसल हो क्या जाएगा, वो फ़ोन दरअसल अब ब्लॉक हो जाएगा, यानी ब्लैक लिस्ट हो जाएगा। ब्लैक लिस्ट का मतलब ये होता है कि वो फ़ोन जिस बंदे ने आपको चुराया होगा वो उस फ़ोन से ना तो कॉल जाएगी, ना तो कोई इंटरनेट चलेगा। या तो फिर उसका सॉल्यूशन क्या है वो मैं बता दूँ, वो मैं आज की डेट में सर्विस सेंटर गया था तो वहाँ पे जो ओप्पो के इंजीनियर्स बैठे हैं उनसे हमारी बात भी हुई तो उन्होंने बताया भाई अगर आप वो फ़ोन किसी और बंदे को मिल जाता है बाई चांस तो अगर वो सिर्फ और सिर्फ ओप्पो के सर्विस सेंटर पर ही ठीक हो सकता है। अगर बाई चांस वो जो जिसने आपका फ़ोन चुराया है अगर वो ओप्पो के सर्विस सेंटर में आता है तो फिर वो पकड़ा जाता है और उसकी जो पूरी जानकारी है वो हम मतलब आप तक आ जाएगी। ठीक है, और उसके साथ साथ मैंने यही पूछा था उनसे, ओप्पो के जो इंजीनियर हैं जो टेक्निकल इंजीनियर बैठे होते हैं वहाँ अंदर, तो उनसे मैंने यही पूछा कि ये फ़ोन तो फिर बाहर भी ठीक हो सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि बाहर जो टेक्निकल टूल्स हमारे पास हैं वो बाहर और किसी के पास नहीं होंगे। और जहाँ तक उन्होंने बताया कि जहाँ तक हमें लगता है कि बाहर ये ठीक नहीं हो सकता, या तो फिर वो पार्ट खोल के बेच ही सकता है, तो यही हो सकता है, बाकी वो फ़ोन किसी काम का नहीं रहेगा जिस किसी ने आपका ओप्पो का फ़ोन चुराया होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ऐसे ही लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और साथ में अगर इंस्टाग्राम पे देख रहे हो तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर पेज पे पहली बार आए हो आशीष ऑनलाइन टेक तो फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में यहीं तक।